फ्रेंड्स, कोमल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज कोमल्स किचन में बनने वाला लखनऊ का बहुत ही फेमस शाही टुकड़ा है, जिसको आमतौर पर शादियों में बनाए जाते हैं वहाँ पे, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार इसे घर पर बनाएंगे ना तो सारी मिठाइयाँ खाना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और इतना सिंपल है इसको बनाना। बस घर पर रखे चीज़ों से यह आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं ये शाही टुकड़ा हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम 2.5 कप दूध ले लेंगे। इसे हमने गैस पे चढ़ा लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी डालें, और कम पसंद करते हैं तो थोड़ा चीनी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फुल क्रीम मिल्क लेना है आपको इसके लिए, और इसे अच्छे से हम चीनी घुल जाने तक पकाएंगे। जब तक दूध पकेगा तब तक हम ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हम इसे साइड गैस पर चढ़ा लेते हैं ताकि आराम से होता रहे और हम अगले प्रोसेस को भी कर सकें। पैन में मैंने घी डाल दिया है, तो घी गर्म हो चुका है। बहुत ही हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ब्रेड के चारों किनारों को हमने काट लिया है। अब इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। दूध को भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि ब्रेड आपको व्हाइट लेनी है, कोई भी ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड नहीं लेनी। व्हाइट ब्रेड में ही शाही टुकड़ा टेस्टी बनता है। इन्हें आप पलट ले, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ब्रेड हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। से हम बाकी ब्रेड को भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दूध भी लगभग 5 मिनट उबल चुका है, तो इसमें हम डाल रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा एकदम चुटकी भर हल्दी पाउडर। वैसे तो इसमें फूड कलर मिक्स किया जाता है येलो कलर की, लेकिन मैं फूड कलर यूज़ नहीं करना चाहती, तो मैंने चुटकी भर हल्दी डाल दिया है। इससे टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो कलर डाल सकते हैं। बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया है। ये देखिए, सारे ब्रेड को भी हमने फ्राई करके रख लिया है अच्छे से। आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 तरह के ब्रेड को कट किया है, उसका रीज़न क्या है मैं बताती हूँ आपको। इसे हम एक पैन में असेंबल करेंगे, या जिस बर्तन में भी आप बनाना चाहते हो वो बर्तन आप ले लें, और ब्रेड को हमें इस तरीके से रखना है। 2 लेयर में ब्रेड्स को रखेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से। तो इसी वजह से मैंने ब्रेड्स को इस तरीके से कट किया है। आप भी जिस बर्तन में बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेड्स को कट कर ले। ये देखिए, तो ये मैंने ब्रेड को अच्छे से असेंबल कर लिया है। अब ये जो दूध हमने गाढ़ा किया था इसे इसके ऊपर डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हम कम कर देंगे। उसके ऊपर हम रखेंगे ये तवा, ऊपर इसे हम रख देंगे पैन को,
फ्रेंड्स, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इसे बिल्कुल मिनिमम फ्लेम पे कुक करना है। हलवाई लोग क्या करते हैं, कोयले के चूल्हे पे इसे बनाते हैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, और 15 मिनट के लो फ्लेम पे दूध के साथ पकने देंगे। फ्रेंड, जब तक ब्रेड होता है तब तक हम एक रबड़ी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। इसमें मिक्स करेंगे 1/4 कप चीनी, मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुकी है। अब इसमें हम मिला देंगे 1 कप मावा। फ्रेंड्स, ये मावा मैंने घर में बनाया है। मावे का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है, 3 मिनट में। अब इसमें फ्रेंड्स डाल देंगे थोड़े से कतरे हुए नट्स। मैंने बादाम और काजू डाले हैं, आप चाहे तो चिरौंजी, अखरोट, कुछ भी डाल सकते हैं क्रश करके। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमें सभी ब्रेड को उलट पलट कर लेना है। ढक्कन लगा के 5 मिनट और इसे होने देंगे। फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे ये 5 मिनट बिल्कुल रेडी हो जाता है अच्छे से। पाँच मिनट हो चुके हैं, ये रबड़ी देखिए तैयार हो चुकी है। अभी थोड़ी ये लिक्विड फॉर्म में लग रही है, लेकिन ठंडी होगी तो फिर ये गाढ़ी हो जाएगी। तो गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, वाले गैस को भी हमने ऑफ कर दिया है। ये देखिए, ये ब्रेड भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, गरम गरम ये रबड़ी इसके ऊपर डाल देंगे। अब रबड़ी को इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये रबड़ी तो अच्छे से हमने फैला दिया है। अब इसे हम कम से कम 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, 4 घंटे हो चुके हैं और हमारा शाही टुकड़ा बिल्कुल तैयार है। चलिए इसकी हम गार्निश कर लेते हैं। तो इसमें हम लगा रहे हैं पहले चांदी का वर्क, अगर आपके पास हो तो लगाएं, वरना आप स्किप कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम नट्स डाल देंगे। ये मैं डाल रही हूँ काजू, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से कतरे हुए बादाम। इसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शाही टुकड़ा बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई शाही टुकड़ा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।